नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में वाराणसी विकास प्राधिकरण के कड़े तेवर के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले अवैध बिल्डर और भवन स्वामियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कार्यभार ग्रहण करते ही ताकीद कर दिया है कि बनारस में अवैध बिल्डरों और प्लाटिंग करने वालों की खैर नहीं है। बावजूद इसके बनारस के शहरी क्षेत्र से लेकर आसपास के क्षेत्र में जिधर भी आप गुजरेंगे, भवन के बाहर हरा पर्दा लगा मकान इस बात की गवाही है कि यहाँ जो निर्माण हो रहा है उसमें नक्शा पास कराकर भी वैध निर्माण करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। वहीं अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बीडीए के जिम्मेदार जोनल अधिकारी और क्षेत्रीय जेई तथा उनके मातहत कर्मचारियों की कार्रवाई के बावजूद भी निर्माण बदस्तूर जारी है। बताते चलें कि धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में देश और दुनिया भर से आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए होटल संचालन बड़े ही फायदे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में जिधर देखिए उधर होटल निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं वाराणसी के थाना चौक अंतर्गत मजार के ठीक बगल में लबे सड़क द्वारिका पुरी रस्सी वाले के ऊपर लगभग 150 फीट फ्रंटेज में भवन स्वामी अवैध होटल का निर्माण करने में जुटा है। अब हम आपको वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत रेशम कटरा के सकरी गली में शिव मंदिर से सटे चौराहे पर बिल्डर ने पहले तो 3 मंजिला अवैध निर्माण करके वाराणसी विकास प्राधिकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दिया, लेकिन अब तो उसने इस भवन की पार्किंग को भी किसी व्यवसाय के लिए बेच दिया है। यहां गौर करने वाली बात है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरों में पार्किंग बनाने वालों को अतिरिक्त मंजिल की अनुमति देने का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ तो चंद रुपयों की लालच में बिल्डर ने पार्किंग का हिस्सा ही बेचकर बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ऐसे में पूर्वांचल की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी रेशम कटरा में पूर्वांचल सहित आसपास के जिलों से आने वाले सर्राफा कारोबारी अपने दोपहिया वाहनों को कहीं भी खड़ा कर देता है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर कुबेर कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने हरा पर्दा लगा है। यहाँ भी पुराने भवन के ऊपर होटल का निर्माण जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऊपरी मंजिल में होटल का निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर जब तक आम नागरिक वीडीए से सही तरीके से नक्शा पास कराकर निर्माण करने के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में बेहतर विकास हो पाना असंभव है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।